न्यारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं 6-7 टिप्स आपको बताने जा रही हूँ जो आपके घर के पैसे भी बचाएंगे, आपको काम में व्यस्त भी रखेंगे और आपको काम करके मजा भी आएगा। चलिए पहला टिप मैं बताती हूँ आपको करेले को लेके। हम करेले जब बाजार से लेके आते हैं तो हमें जूस पीना होता है, तो एक दिन सारे करेले का जूस नहीं पीते, करेले रखे रखे खराब हो जाते हैं। तो करेलों को 1-1.5 महीने तक आप ताजा हरे रख सकते हो। अच्छे से आप एक मिठाई का डब्बा ले लीजिएगा, उसमें करेले को पोंछ कर, पानी नहीं होना चाहिए, और इस तरह सेट करके और डब्बे को बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। अगर कोई करेला गिल्ला है तो पंखे के नीचे आप उसको हवा लगा लीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरह इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और मिठाई के डब्बे में डाल के आप इसको वापस से इस धागे से बांध के फ्रिज में रखिए। आप 1-1.5 महीने, 2 महीने तक एक एक करेले का जूस आराम से पी सकते हैं। तो इस ट्रिक का फॉलो कीजिए। दूसरा टिप मेरा है वो है कढ़ी पत्ते का रायता कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दही को हम फेंट लेते हैं, फिर चिली फ्लेक्स डालते हैं, फिर जीरा पाउडर डालते कच्चा, फिर भुना हुआ जीरा डालिए आप इसमें, और फिर मैंने डाला है इसमें काला नमक और थोड़ा सा पुदीने का पाउडर। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने की मेरी ये मशीन रईसी है, अगर आप जानना चाहते हैं मैंने कहाँ से मंगाई है तो लिंक मैं आपको बता दूँगी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर हम क्या करेंगे, दही फेंटने के बाद टमाटर और कढ़ी पत्ते लेंगे और उनको मिक्सी की जार में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। ये हमारा एक ऐसा रायता बनेगा, क्योंकि कढ़ी पत्ते में कैल्शियम बहुत होता है, वैसे हम खाएं कैसे, तो इस तरह आप कढ़ी पत्ते का रायता बना के सेवन कर सकते हैं और कैल्शियम भरपूर मात्रा में इंटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने आप को बिजी भी रखेंगे, व्यस्त भी रखेंगे और हेल्थ भी पाएंगे। इस ट्रिक का भी आप फॉलो जरूर कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे ट्रिक की ओर। तो तीसरा ट्रिक मेरा है सहजन के पत्ते यानी मोरिंगा के पत्ते। तो पत्ते मैं ताजा लेके आई थी और मैंने पोलोथीन में ही डाल के उनको एक तरफ रख दिया। जब ये गर्मी के अंदर 1-1.5 घंटे पोलोथीन में रहे तो डंठल से अलग हो गए। फिर मैंने एक बर्तन में पानी लिया, उस पानी में सारे पत्तों को डाल दिया। अब मैं इनको बहुत अच्छे से धो लूंगी, जितनी भी डस्ट होगी वो निकल जाएगी। फिर एक छन्नी में डाल दूंगी और 10 मिनट के बाद मैं इनको स्लैब के ऊपर ही फैला दूंगी। देखिए, मोरिंगा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, B12 की कमी है, हर एक बीमारी में इसका समाधान। आप कभी सर्च करके देखिएगा मोरिंगा किस तरह आपको मेंटेन भी रखता है। तो इस तरह मैंने मोरिंगा की पत्तियों को धो के सुखा दिया। अब मैं इन सब को सूखने के बाद इकट्ठा करके एक बर्तन में रख लूंगी, जरूरत होगी तो पाउडर बना लूंगी। और इनको कैसे सेवन करना है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये पत्तियां जो मैं रख रही हूँ ना, तो आप इसको दही में क्रश करके डाल सकते, लस्सी में डाल सकते। तो इसका भी जरूर फॉलो कीजिए, बीमारियों से आप बचे रहेंगे और अपने आप को बिजी भी रखेंगे। अगला टिप मेरा यह है कि जब भी घर में सब्जी आती है तो 8-10 हरी मिर्ची आती है, तो कई बार सारी मिर्ची हमारी इस्तेमाल नहीं होती, तो उन मिर्चों को हम एक तरफ छन्नी में डाल के रख दें। महीने भर में हमारे पास ढेर सारी मिर्ची हो जाती है। तो इनके डंठल देखिए मैं अलग कर लेती हूँ और मिर्ची अलग कर लेती हूँ, क्योंकि कई सब्जियों में हम चिली फ्लेक्स ही इस्तेमाल करते हैं, और वो भी कभी रेड चिली फ्लेक्स, कभी ग्रीन चिली फ्लेक्स। तो देखिए, ये मैं अपने घर में ही तैयार कर लेती हूँ, हमेशा मेरे पास इतनी मिर्ची बच जाती है। तो सारी मिर्ची मैंने है उनके डंठल को साफ कर लिया, ये हम बाजार से नहीं लाई, सब्जी के साथ बचे हुई मिर्चे हैं। अब इनको मिक्सी के जार में डाल के हम क्या करेंगे, पल्स मोड पे 2 या सिर्फ 3 बार हम जार को थोड़ा सेकंड के लिए घुमाएंगे। ज़्यादा हमें नहीं घुमाना है, ज़्यादा घुमाएंगे तो पाउडर बन जाएगा, पाउडर नहीं हमें फ्लेक्स बनानी है, तो सिर्फ हमें थोड़ा घुमाना है। अब ये मैंने घुमा दिया है, लेकिन अभी खोलना नहीं था मुझे, मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, मिर्ची उड़े नहीं, ताकि 5 मिनट के बाद मैंने इस बर्तन में ये डाल दिया। ये चिली फ्लेक्स हम तरी वाली सब्जी बनाते हैं, चाहे टमाटर की है कोई भी, उसमें बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों के लिए पिज्जा वगैरह बनाते हैं या और कुछ बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट टिप मेरा है कि जब भी आप घर में अपने आप को बोर महसूस करते हैं, आप सोचते हैं मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं क्या करूँ, तो आप देखिए छोटे छोटे काम कीजिएगा। आपके पास घर में सिक्के होते हैं, आप उनको साफ सुथरा करके एक कांच का बर्तन लेके उसमें ऐसे लगाइए और बार बार उनको देखेंगे ना, तो आपका टाइम पास होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आपके गमलों में दाएं बाएं कहीं भी फूल है उनको लीजिए, आप कटोरी में डाल के रखिएगा, आप अपने आप को व्यस्त रखिए। अगला टिप मेरा वो है दही को लेकर, वो भी खास गर्मी में दही कैसे जमाते हैं मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले दूध को गर्म करते हैं, रूम टेम्परेचर पर लेके आते हैं, फिर दही लेते हैं, दही चम्मच में लेके अच्छे से मिला देते हैं, सिर्फ यही नहीं ऊपर से डाल दिए, और साथ में हम ले लेते हैं एक चांदी की रिंग, वो भी हम दूध के अंदर डाल देंगे। अगर रिंग नहीं तो आपके पास सिक्का है, आप वो भी डाल सकते हैं। इससे दही की तासीर ठंडी हो जाएगी, ढक देंगे, फिर एक बर्तन में पानी लेंगे, उसके अंदर इस दूध को रख देंगे, ज़्यादा गर्मी में दही ऐसे जमता है। अगला टिप मेरा वो है, आजकल आ रही है आम की कैरी, यानी कि कच्चा आम है, घर लाते अचार बनाते सब्जी बनाते काटना बड़ा मुश्किल है, तो एक घंटे के लिए आप इनको पानी में छोड़ दीजिएगा, जिससे इनका छिलका होता है वो टाइट हो जाती है, फिर हम इनको छीलते हैं या काटते हैं तो बड़ी आसानी से कट जाती है। इस ट्रिक का भी आप फॉलो कीजिएगा। ये 5-6 टिप्स मैंने ऐसे बताएं, इस तरीके से काम करेंगे, ये काम करेंगे तो आप पैसे भी बचा पाएंगे, खुद को बिजी रखेंगे, आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ दोनों ही इस तरह से काम करने से स्वस्थ रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।